मन भी एकाग्र होना चाहिए। अब मन एकाग्र नहीं होगा तो पढ़ाई करते समय आपका चित्त इधर उधर जाएगा। अब चित्त इधर उधर ना जाए इसके लिए आपको वृक्षासन करना है। क्या करना है बोलो, जोर से बोलो, वृक्षासन। तो वृक्षासन के लिए क्या करना है, दाएं पैर सीधा है, बाएं पैर उठाइए, बाएं पैर की एड़ी ऊपर की ओर और पंजा नीचे, बनी बात। अब दोनों हाथ साइड से उठाइए और ऐसे रुक जाइए, रुकिए रुकिए। फिर नीचे। अब कुछ बच्चे तो कर पा रहे, शांत होके करो। देखो इससे मन एकाग्र भी होगा, जितना मन कंसंट्रेट होगा उतना आप पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे। कुछ बच्चे उसी चैप्टर को, उसी सब्जेक्ट को 5-10 मिनट में याद कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, और कुछ बच्चे घंटों रट्टा लगाते कुछ याद ही नहीं होता। क्यों? कंसंट्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आसन अच्छा काम करेगा, 10-20 सेकेंड ऐसे करना। दूसरे पैर उठाइए, दाएं पैर उठाए, एड़ी ऊपर पंजा नीचे, और ऐसे ये किया वृक्षासन। रुको थोड़ी देर, रुकिए रुकिए, कुछ तो डांस कर रहे। हाथ नीचे। अब देखो इसका नाम था वृक्षासन। क्या नाम है? ये तो सरल बताया था, कठिन वाला तो ये है बच्चों। आपने किया है किसी ने? कर लेना। देखो कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आप हाथ पर भी शरीर को रोक पाएंगे। अब तो सीधे ही खड़े होने में दिक्कत हो रही है।